नमस्कार दोस्तों, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हम आपको वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हो रही हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं अंबाला की युवती पारुल अरोड़ा की, जिसने साड़ी पहनकर जिमनास्टिक की, जिसके बाद उनका वीडियो फिल्म स्टार विद्या बालन ने भी जो है शेयर किया। फिलहाल हम पहुंचे हैं जिमनास्टिक हॉल के अंदर अंबाला वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में, और आप ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से साड़ी पहनकर आखिरकार एक युवती जिमनास्ट कर सकती है, जो कि बेहद जो है खतरनाक है और साथ साथ जो है काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जिमनास्ट करने के लिए एक स्पेशल ड्रेस की ज़रूरत होती है। लेकिन जिस तरीके से पारुल अरोड़ा साड़ी पहनकर ये प्रैक्टिस कर रही हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं काफ़ी मेहनत लगी होगी। और साड़ी पहनकर जिमनास्ट करने का आखिरकार इनका उद्देश्य क्या था, ये पारुल अरोड़ा खुद ही बता सकती हैं। लेकिन फिलहाल हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस तरीके से साड़ी पहनकर पारुल जिमनास्ट कर रही हैं। उनके साथ उनकी बहन है खुशबू, जो उनकी बहन भी है और उनकी कोच भी है, जो उनको पल पल पर सहयोग करती हैं, और साथ ही उनकी इस ट्रेनिंग में उनका पूरा योगदान है। हालांकि इनके जो कोच हैं बलबीर सिंह, उनसे इन दोनों ने ही जिमनास्टिक की जो सीख है वो उनसे ली। और फिलहाल हम बात करेंगे पारुल अरोड़ा से और उनसे जानेंगे आखिरकार साड़ी पहनकर जो है किस तरीके से जिमनास्टिक करने का आपके मन में आया। साड़ी पहनकर फ्लिप करने का आइडिया मेरे फ्रेंड माइकल होशियार सिंह का था। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मुझे साड़ी पहन के फ्लिप करना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये फ्लिप ट्राई की। और वैसे मैंने बहुत सारी और ड्रेसेस में भी फ्लिप ट्राई की है, क्योंकि मुझे अलग अलग टाइप की ड्रेसेस पहनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और अलग अलग ड्रेसेस में फ्लिप्स भी बहुत ज़्यादा अलग और यूनिक और बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। क्यों मन में आया कि साड़ी पहन के ही करना है, हालांकि जिमनास्टिक के लिए एक स्पेशल ड्रेस होती है, उसे ही पहनकर लोग प्रैक्टिस करते हैं, आपके मन में क्यों आया कि साड़ी पहन के करना है? साड़ी पहन के मैं इसलिए भी फ्लिप करना चाहती थी क्योंकि लोगों की थिंकिंग होती है कि जिस लड़की ने महिला ने साड़ी पहनी है वो सिर्फ एक घर तक ही सीमित रहती हैं, वो और कुछ नहीं कर सकती। तो मैं उन्हें भी ये मैसेज देना चाहती थी कि ताकि वो भी मोटिवेट हों, इंस्पायर हों और अपने घर से बाहर निकलें और कुछ करें। खुशबू जो है वो हमारे साथ हैं, इनकी कोच भी हैं, इनकी बहन भी हैं। खुशबू, काफ़ी मेहनत लगी होगी, काफ़ी समय लगा होगा, क्योंकि साड़ी पहनकर फ्लिप करना वास्तव में ही जो है काफ़ी मुश्किल है। क्या क्या कहेंगी आप? जिमनास्टिक्स जो गेम है वो मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स है। जिमनास्टिक सीखने में बहुत टाइम, ऐसा मैं कह सकती हूँ कि पारुल ने जिमनास्टिक्स 15 ईयर्स तक कॉन्टीन्यूसली की है, उसके बाद ही, और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट जिमनास्ट है, इसके बाद ही इसके अंदर इतनी परफेक्शन आई है कि ये किसी भी ड्रेस में कोई भी एलिमेंट कर लेती है बहुत इजीली। बाकी ऐसा रहता है कि जिमनास्टिक किसी और ड्रेस में या कहीं भी ऐसे नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंजीरियस गेम है, इंजरी कभी भी हो सकती है इस गेम में। तो आपको डर नहीं लगता, आपकी बहन करती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे इस पर पूरा मतलब कॉन्फिडेंस है, और साथ में मुझे पता है कि ये कर लेगी, और हेल्प के लिए सिक्योरिटी मतलब इसके पास रहती है, मतलब हम हेल्प करते हैं तो ऐसा कोई डर नहीं लगता हमें। अब विद्या बालन ने जो है इनका वीडियो जो है वो शेयर किया और फिल्मी सितारों ने भी शेयर किया, कैसा लगता है? हमें बहुत अच्छा लगता है कि फिल्म स्टार्स जो है पारुल का वीडियो शेयर कर रही हैं, अपनी स्टोरीज पर लगा रही हैं, तो हमें बहुत प्राउड फील होता है। और ये हमें बताती भी है जिस टाइम इसकी वीडियो शेयर की जाती है या कुछ भी, तो मैं घर वाले सभी बहुत खुश होते हैं और हमारे कोचेज भी बहुत खुश होते हैं उनको जैसे पता लगता है। तो पारुल, घर से किस कैसी सपोर्ट जो है, बहन ने आपको हमेशा सपोर्ट किया, माँ बाप की सपोर्ट हमेशा कैसे रही? मम्मी पापा की हमेशा ही सपोर्ट रही। जब हम छोटे थे मम्मी हमें लेकर आते थे स्टेडियम, और मतलब कभी मम्मी पापा ने किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया, हमें ऑलवेज सपोर्ट किया है, हर जगह भेजा है। तो बाकी जैसे पापा का चाय का काम है, तो उसके बाद पापा को दो बार हार्ट अटैक हो गया था, तो उसके बाद से पापा ने छोड़ दिया था काम। तो मेरी सिस्टर कोच हैं, जिमनास्टिक कोच, और ब्रदर बॉक्सिंग कोच हैं, तो मतलब फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया, सब कुछ मतलब वो नहीं है। जैसे पूरी फैमिली स्पोर्ट्स में है, सरकार से कभी कोई मदद मिली या क्या चाहती हैं? मैं बस यही चाहती हूँ, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट जॉब निकली नहीं है,
तो ताकि जॉब्स हों, ताकि और ज़्यादा आगे बढ़ सकें और अपने देश का नाम रोशन कर सकें। बिल्कुल, ये थी हमारे साथ पारुल अरोड़ा जो बता रही थी कि किस तरीके से साड़ी पहनकर इन्होंने ये वीडियो जो है वो शेयर किया और इसके पीछे इनका जो मकसद है वो भी जो है बहुत खूब है। ये चाहती हैं कि जो युवतियां घर पे रहती हैं या जो लोग ये समझते हैं कि जो युवतियां सीधी साड़ी पहनकर घर रहती हैं वो कुछ नहीं कर सकती, वो सिर्फ घरेलू युवतियाँ होती हैं, तो इनका ये भी एक मैसेज है उन युवतियों को कि वो लोग बाहर आएँ, कुछ करके दिखाएँ ताकि देश का नाम रोशन हो सके। बहरहाल हम अपील करेंगे हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह से कि अगर वो हमारा ये वीडियो देखें तो ऐसी युवतियों को प्रोत्साहित करने के लिए वो जरूर इन्हें सरकारी मदद पहुंचाएं ताकि ये और मेहनत करके देश का नाम रोशन कर सकें और खिलाड़ी जो हैं हरियाणा के अंदर पैदा हो सकें और खिलाड़ी जो हैं वो आगे आ सकें और इस तरीके के जो चीज़ें हैं उनको और इंस्पायरेशन मिले और देश का नाम हरियाणा का नाम रोशन हो सके। आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, हम आपको ऐसी ही अपडेट्स देते रहेंगे।